Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो। आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, अपने लिए नाश्ता बनाने। नाश्ता करके फिर मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में, क्योंकि जब मैं खाना वाना बना के रख देती हूँ ना, तब मुझे टेंशन नहीं रहती। बस ये होता है बच्चे अपना निकाल के खाना खा लेंगी और फिर मैं अपना काम में लग जाऊँगी, तो मुझे इतनी डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। हाँ, बीच बीच में गाजी को फीड कराने के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, पर दैट्स ओके, वो हो जाएगा, मैनेजेबल है। तो चलिए, आप लोग एंड तक जुड़े रहिए। दरगाजी अपना बैठ के चिल कर रहे हैं, सुबह का वक्त है, मैं तो सोई नहीं, मैं इनको ही लेके आ गई लिविंग रूम में। तो ये अपना खेल रहा है। व्लॉग को देखने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियोस मेरी आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए और एंड तक जुड़े रहिएगा और अपनी फीडबैक भी देते रहिएगा, वो मुझे बहुत हेल्प करता है जब आप लोग तारीफ़ करते हैं। एक बहन ने मुझसे पूछा है यूके के वेदर के बारे में। तो यहाँ का वेदर जैसे पहले था, ठंड वंड पड़ती थी, अब वो वैसा नहीं इतना दिखता। मतलब होती है ठंड, नॉर्मल वाली होती है, पर इतनी ठंड नहीं होती है जैसे पहले हुआ करती थी। स्नो भी नहीं होती है, स्नो बहुत ही रेयर है, जैसे सेंट्रल लंदन की बात कर रही हूँ। हाँ, अगर आप हिल वाले एरिया में रह रहे हो या फिर कंट्री साइड पर, तो वहाँ पर आपको स्नो मिलेगी और जमती भी अच्छी खासी, क्योंकि ये एरिया जो सिटी में है तो यहाँ पर बर्फ़ अगर गिरेगी भी तो वो जमती नहीं है, बस ऐसी बस नाम की हल्की फुल्की हो जाती है। पर हाँ, ठंड पहले जैसे पड़ती थी यहाँ पर, अब वो वाली ठंड नहीं पड़ती है। और रही बात बारिश की, तो भैया बारिश तो एनी टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर, चाहे कोई भी सीज़न चल रहा हो। और गर्मी ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान की तरह होने लगी है, जब पड़ती है तो बहुत भयानक पड़ती है। और अब एकदम कम्प्लीटली इंडिया पाकिस्तान की तरह तो नहीं है, पर कुछ हद तक वैसी ही है, हम लोग फील कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो वेदर का है कि जैसे इंडिया में होता था ना कि क्या बोलते हैं, गर्मी लंबे वक्त के लिए होती थी, सर्दी कम वक्त के लिए होती है, तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पर भी है। अच्छा, दो तीन बार किसी इंसान ने कमेंट किया था कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद, और मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी किया था, पर उन्होंने फिर से वो सवाल किया है। तो मैं इस वीडियो में उनको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई माइक नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे पास है माइक पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट मोबाइल से यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, बहुत शोर शराबा है, तो शायद वो मैं माइक यूज़ कर सकती हूँ जो मेरे पास है, पर नॉर्मली मैं कोई माइक नहीं यूज़ करती हूँ। अभी भी मैं डायरेक्ट शूट कर रही हूँ फ़ोन से, मैं कोई माइक नहीं यूज़ कर रही हूँ। गाजी को लगा देती हूँ कुछ कार्टून शार्टून, वो अपना देखेगा। ये देखे, मेरी भी वीडियो साथ में आ रही। मैं चाय पी लूँ, फिर मैं इसको धोती हूँ। ये सारे देखें, ये सब चीज़ें निकाल के फाड़ने, सारी चीज़ें, ये पूरा वॉलपेपर तो मुझसे फाड़ा नहीं जाएगा, खैर इसी के ऊपर मैं पेंट करूँगी, मगर ये जो अलग से ये लगा है ना, इसको फाड़ना पड़ेगा पहले, बहुत काम है। सब चीज़ें पहले एम्प्टी करना है,
हर चीज़ एम्प्टी करना, कारपेट पर सब बहुत बुरा हाल है, तो सब चीज़ पहले एम्प्टी करके फिर जो भी चीज़ें हैं दीवार की छेद उद वगैरह पॉली ये लेके आए, इसको सब रिफिल करूँगी, इसको घिस करके, बहुत सारा काम है तो इसको मैं इसमें ज़्यादातर कॉन्सनट्रेट करने का वक्त है, तो मैं जब इसमें सब हर चीज़ कर लूँगी इंशाल्लाह फिर आप लोग को दिखाऊँगी लेटर। अभी ले लिया है और अब मैं निकल ही, देखिए बारिश हो रही है, अभी भी हल्की हल्की हो रही है बारिश, तो अभी मैं निकल रही हूँ पेंट लेने। मैंने सोचा मैं जाके पहले पेंट ले आती हूँ, उसके बाद मैं खाना शाना बनाऊँगी। तो अब देखिए कितने ज़मीन में सब गीली पड़ी रही है। हाय गाइस, तो बस अभी मैं निकल रही हूँ लीलैंड, जो मेरे घर के पास है, जहाँ पर पेंट का, घर की सारी चीज़ें, पेंट के डब्बे वगैरह सब हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो स्विच बोर्ड हो, लाइट्स हो, मतलब सारी जो घर की चीज़ें अगर टूट जाए तो उसको रिपेयर करने वाली सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सारा जो भी पेंट शेंट करना है बच्चों के रूम में उसको जाके चूज़ करती हूँ, फिर उसको लेके आती हूँ, रख दूँगी एक कोने में, खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद फिर रूम को एम्प्टी करूँगी, उसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। शॉपिंग कर ली है, पेंट वेंट वगैरह ले लिया है, अभी सिर्फ सायरा के रूम का ही लिया है, और अभी पहले उनके रूम को सॉर्ट कर लूँ, उसके बाद मैं फिर आदिल के रूम का देखूँगी। बहुत महंगे हो गए पेंट्स वगैरह भाई, बहुत ज़्यादा, तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए व्लॉग शूट करना, तो मैं जब काम से फारिग हो जाऊँगी इंशाल्लाह तो फिर मैं रेगुलर पोस्ट करूँगी, अभी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो साथ साथ व्लॉगिंग करना और साथ साथ वो करना, तो मैं काम से फिनिश हो जाऊं, ये सारा चीज़ मैं निपटा लूं, फिर इंशाल्लाह मैं डेली ब्लॉग्स शेयर करूंगी। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो रोज़ाना पोस्ट कर दिया करूंगी थोड़ा बहुत, पर अभी जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ऐसा लगता है कि काम में पहले कॉन्सनट्रेट करूँ या ब्लॉगिंग में। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह।